हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा मेरे थंबनेल पर। दोस्तों, जब से एम एस टकाडक पर भाई जो अभी अपडेट आया था 10, 12 और 11 मई का, तो उसमें अपडेट धीरे धीरे एम एस टकाडक अपडेट हो रहा था। तो उसके बाद में जैसे ही 13 मई वाला अपडेट आया, तो उसके बाद में भाई अपडेट आने के बाद उसमें एकदम अचानक से वो अपडेट हम लोगों ने जब किया तो एकदम से अचानक से मार्च वाला दिखाने लगा एम एस टकाडक पर। यहाँ पर देख सकते हो, ये अपडेट बिल्कुल भाई मार्च के महीने का दिखाने लगा, मतलब पीछे रिवाइंड हो गया था, तो ये रिवर्स हो गया था। और उसके बाद में दोस्तों अभी एक 15 मई को भी अभी एक अपडेट आया है आज ही के डेट में। तो ये अपडेट का क्या मतलब है दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। लोगों ने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट करे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। अब दोस्तों, जैसा कि जानते हो भाई, एम एस टकाडक पर बहुत सारे ऐसे बग चल रहे थे, तो एम एस टकाडक के जितने भी बग थे वो सारे फिक्स हो गए थे। अब उसके बाद में एम एस टकाडक ने अपनी जीमेल सपोर्ट को चेंज करना चाहा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो 13 मई वाले अपडेट में अपनी जीमेल एड्रेस को वहाँ पर चेंज किया, लेकिन जीमेल आईडी चेंज होने के बाद में एम एस टकाडक पर फिर से बहुत सारे बग आ गए थे। तो इसी के चक्कर में जो भी एम एस टकाडक पर नए अपडेट्स आए थे, तो उनको भाई सभी को मतलब फिर से पुराने के मामले में ले जाना पड़ा, मतलब उसे रिवाइड करना पड़ा और वो सारे अपडेट्स हट गए। तो फिर से देखिए, एम एस टकाडक पर जो 15 मई का अपडेट आया, यहाँ पर फिर से आपको बग फिक्स दिख रहा होगा। 15 मई वाले अपडेट में आपको फिर से बग फिक्स दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर अभी एम एस टकाडक पर बग चल रहे हैं और अभी एम एस टकाडक अच्छी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है और एम एस टकाडक पर अच्छी तरीके से भी काम चल रहा है। तो वहाँ पर एम एस टकाडक टीम के साथ जब मैंने बात की, तो वहाँ पे उन्होंने बताया भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एम एस टकाडक पर जल्दी ही अपडेट आएगा। जो 15 मई का अपडेट आया हुआ, तो इसमें अभी बग रह चुके हैं एम एस टकाडक पर, मतलब बग फिक्स हो गए थे, लेकिन उसके बाद में जीमेल सपोर्ट जैसे ही वहाँ पे ऐड किया गया, तो उसके बाद में फिर से बग आ गए एम एस टकाडक पर। तो जैसे ही एम एस टकाडक पर बग फिक्स होंगे और अच्छा अपडेट आएगा, तो उसके रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको मोजब से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, यहाँ पे देख दो, सोनपा शर्मा के नाम से। यहाँ पे देखिए, टाइटल पे मैंने उस चैनल का नेम जो है मेंशन कर दिया है, आप जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो है अब आपको मोजब से रिलेटेड वीडियो मिलेगी और यहाँ पे आपको एम एस टकाडक से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो ये छोटी वीडियो में जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई टॉपिक साथ, लिख जाए।